बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, उसके बाद मैं आप तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, पूरी दुनिया से जिस तरह मुझे अरेस्ट किया गया सऊदी अरब में और आप लोगों की सपोर्ट, मैसेजेस, मेरी फैमिली से रابطہ, पीटीआई फैमिली का मेरी फैमिली से रابطہ करना, मैं आप सबका मशकूर हूं। जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ दिया, जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, इस मुश्किल वक्त में मेरी फैमिली के साथ खड़े हुए, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं सऊदी अरब की गवर्नमेंट का, उनके इंटेलिजेंस पुलिस का, उनकी पुलिस का, और बाकी जितने वहां पे इदारे थे जब मुझे अरेस्ट किया गया, जितने लोग भी मेरे पास आए, उन सब का शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए कि जिस तरह हम देखते हैं पंजाब में, दीगर सूबों में हमारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है, तजलील की जाती है, मैं सलाम पेश करता हूं वहां की इंटेलिजेंस को। जिस तरह, जिस तरीके से मुझे वो होटल से लेके गए, इज्जतदार तरीके से बिठाया गाड़ी में, उसके बाद जो भी तफ्तीश की गई, मामला यह है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने एक वीडियो बनाई है और हमारे पास पाकिस्तान की एम्बेसी से भी और हमारे पास दीगर जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है और आपकी जो मजहबी उमूर की मिनिस्ट्री है, वहां से भी चीजें आ रही हैं और काफी हमारे पास है कि आप इंतजार फैला रहे हैं और सऊदी अरब के खिलाफ और न जाने किस किस के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। तो उन्हें मैंने कहा कि मैंने कोई सऊदी अरब के खिलाफ बात नहीं की, किसी के खिलाफ बात नहीं की, मैंने एक हलफ लिया है, चूंकि मुसलमान कुरान शरीफ में हलफ लेते हैं, कुरान शरीफ के ऊपर, कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है और मैं अल्लाह के घर पे खड़ा था, मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं की, किसी को वो नहीं किया, किसी हुकूमत के खिलाफ। मैंने इमरान खान के लिए गवाही दी, मैंने वो गवाही दी कि कभी भी इमरान खान ने मुझे, या जब भी हम मीटिंग में होते थे, इमरान खान ने नहीं कहा किसी भी तंसीबात पे हमला करो। इमरान खान हमेशा कहते थे कि पुलिस भी, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, इदारे भी मेरे हैं। तो मैंने कहा मैंने यह बात की, आप किसी से भी ट्रांसलेट करें, लिहाजा पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री हैं, ये बहुत ज्यादा शायद उनको प्रेशर कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से जिस तरह वो परेशान थे, वो फिर किसी को बताते थे, फिर मुझसे बात करते थे, वो डिटेन किया हुआ था जिस तरह मुझे। और जब सारे मामलात उन्होंने देखे, उन्होंने आपस में डिस्कशन की, उन्होंने कहा वाकई से इस वीडियो में ऐसी कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने कुछ पाकिस्तानी तर्जुमान को बुलाया, उनके सामने वीडियो रखी और कहा कि बताएं इसमें क्या है। तो जब आपस में बात कर रहे थे अरबी में, तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो कोई भी सऊदी अरब का जिक्र है ही नहीं। तो लिहाजा उन्होंने यह तय किया कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, गलत आई है, उन्होंने आगे रिपोर्ट कर दी। और उसके बाद मुझे पता चला यहां पे कुछ हमारे नून लीग के लोग या नादान, वो लोगों में मैसेज स्प्रेड कर रहे थे कि जी ये ईमेल एड्रेस है, इस पे ईमेल करें, इस पे करें, ये करें। ओ भाई हलवा है क्या कि ये कर दे, वो कर दे और तुम्हारे कहने पे हो जाएगा? वहां पे आईन की बालादस्ती है, वहां पे आईन है, वहां पे छोटे बड़े के लिए एक कानून है। उन्होंने जब सारी चीजें एग्जामिन की तो उन्होंने मुझसे माजरत भी की और उन्होंने कहा आप नाराज नहीं होइएगा, हम आपको छोड़ते हैं। और मुझे बाइज्जत तरीके से उन्होंने छोड़ा भी। और मैं मजे की बात बताऊं कि उन सब को यह पता था और वो सब इमरान खान से मोहब्बत भी करते थे और वो सब इमरान खान के लिए दुआ भी कर रहे थे। तो ये अल्लाह ने इज्जत दी इमरान खान को, लिहाजा मैंने उनको कहा कि जो बात मैंने खाना काबा में खड़े होकर की है, मैं क्यामत के रोज भी करूंगा, मैं अल्लाह ताला के सामने भी करूंगा, क्योंकि एक मुसलमान का हक बनता है कि सच्ची गवाही देना। मैं सच्ची गवाही दे रहा हूं, इमरान खान ने कभी भी हमें नहीं कहा किसी भी तनसीबात पर हमला करें या किसी भी इदारे के खिलाफ बात करें। वो हमेशा कहते थे मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। और ये बात साबित हुई कि बेगुनाह एक साल से जायद का अरसा हो गया है, वो जेल में मिनते कर रहे हैं लोग उनकी
कि आप ये मुल्क छोड़ के जाए डील करें, वो डील नहीं कर रहे। तो लिहाजा मैं तो मरते दम तक ये बात करता रहूंगा और जब भी गवाही की जरूरत पड़ी मैं गवाही भी दूंगा कि इमरान खान ने कभी भी नहीं कहा। और मैं यहां आप सब दोस्तों का, जितने लोग थे, जितने लोगों ने सपोर्ट किया, जितने मेरी पार्टी की लीडरशिप ओवरसीज का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तकरीबन जितने लोग थे सब ने अपना हिस्सा डाला, सपोर्ट किया, हक के साथ खड़े रहे। और मैं सिर्फ आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहिफाजत तरीके से पाकिस्तान आ चुका हूं, मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं और इंशाल्लाह इन चीजों से हम पीछे हटने वाले नहीं है, मजीद जोर लगाएंगे, मजीद ये तहरीक तेज करेंगे और हम बताएंगे कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उसने 9 मई करवाया, इमरान खान बेगुनाह है, इमरान खान को रिलीज किया जाए और हम अपनी जद्दोजहद तेज करेंगे पाकिस्तान